हेलो एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं चिली पनीर बहुत ही सिंपल तरीके से। और चिली पनीर मेरे घर में सबको पसंद है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने तैयारियाँ सारी कर ली हैं, जो भी सामान मुझे चाहिए जो बनाने के लिए, उसके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सारी तैयारियाँ हमने करके रख ली हैं। जैसे ये चॉप, ये लहसुन है जो हमने बारीक काट लिया है, ये हरी मिर्च है, और मिर्च आपको अपने हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग लेनी है कि आपको तीखा चाहिए कि कैसा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 मिर्च, हरी मिर्च काटी है, और ये शिमला मिर्च है, ये प्याज है। इन दोनों को हम फ्राई करके लेंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये प्याज को तो बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, ये शिमला मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद एक टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी इसकी बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि हमें ग्रेवी वाली बनानी है चिली पनीर, तो इसके लिए हमने ये सब सामान लिया है। तो चलिए आप पनीर की तरफ चलते हैं। तो ये हम यहाँ पर मैंने ये पनीर लिया है जो 250 ग्राम पनीर है। तो इसके वो अभी पहले से हमें फ्राई करना है, तो पहले चलिए इसका प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच मैदा लिया है, और इसमें 2 चम्मच हमें कॉर्नफ्लोर मिलाना है। तो ये 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिला देंगे, और ये जरा सा नमक, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और इसके बाद जो ये जो पनीर काट के रखी है, तो इसको हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, सारा एक साथ नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा मिलाएंगे तो अच्छे से मिल जाएगा वो। और आप चाहें तो जो कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो पाउडर है उसका घोल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज मैंने कुछ नया ट्राई किया था और इससे काफ़ी सॉफ्ट बना था। जो घोल बना के हम बनाते हैं वो थोड़ा सा हार्ड हार्ड सा हो जाता है, पर ये काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट सा बना था। तो बस इसको निकाल लेंगे बाहर। तो आप एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मतलब जो घोल बना के बनता है और जो इस तरह से बनता है कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप बनाते ही होंगे। तो हैं पनीर के जो टुकड़े बचे हुए हैं उनको भी ऐसे ही हम मिला लेंगे इसमें। यहाँ देखिए हमने सबको ऐसे ही जो कॉर्नफ्लोर और मैदे का पाउडर था उसमें सबको लगा लिया ऐसे। अब इनको फ्राई करना है, तो जहाँ तेल में इनको नहीं फ्राई करेंगे, हल्के हल्के तेल में ही करेंगे, थोड़ा सा तेल में ही। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, ये गर्म हो चुका है, बस इसमें हम करके थोड़ा थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इनको ये फोक की हेल्प से पलटते हुए हल्का सा गोल्डन कर लेना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है वरना फिर वो हार्ड हो जाएंगे। सिर्फ हल्का सा कलर लाना है जो देखने में अच्छे लगे और सॉफ्टनेस भी उनकी बनी रहे। तो पनीर सारे फ्राई कर लिए हैं मैंने, और ये जो तेल बचे हुए हैं तो उसी में हम जो ये बड़े साइज में शिमला मिर्च और प्याज हमने काट के रखे थे, तो उसको फ्राई कर लूँगी हल्का हल्का सा। वैसे मुझे पनीर फ्राई करने से पहले इसे फ्राई कर लेना चाहिए था, क्योंकि अभी क्या है जो कॉर्नफ्लोर का उसमें तेल में जो पाउडर लगा उससे थोड़ा सा काला काला सा दिखेगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी, हो जाता है कभी कभी। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी की। तो यहाँ जो पैन में तेल बचा था उतना काफ़ी हमारे ग्रेवी के लिए, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है हमें। तो उसमें ही हम ये जो मैंने यहाँ पर ये लहसुन और जो ग्रीन चिली जो काट के रखी थी उसको डाल के हल्का सा भून लूँगी, और उसके बाद फिर जो जो बिल्कुल बारीक बारीक जो हमने प्याज और शिमला मिर्च काट के रखा था उसको डाल के भी हल्का सा उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। और यहाँ पर हमारे प्याज और शिमला मिर्च भून चुका है, तो बस उसके बाद उसमें हमें जो टमाटर हमने काट के रखा था बारीक बारीक उसको डाल के मिला देंगे, और थोड़ा सा उसके ऊपर नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। और बस नमक डाल के थोड़ा सा उसको अच्छे से पका लेना ताकि जो टमाटर हमारा पूरा अच्छे से वो गल जाए ग्रेवी के लिए। और ये देखिए जो हमने टमाटर डाला था बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, तब इसमें जो हमने ये शिमला मिर्च और प्याज जो फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे। और बस इसको डालने के बाद अब इसमें बस सॉस सारे डालने हैं। तो यहाँ पर सॉस में मैंने जो ग्रीन चिली सॉस और विनेगर, सोया सॉस, और उसके बाद रेड चिली सॉस और टमाटो केचप डाला था। और मेरे पास सेजवान चटनी नहीं थी इसलिए मैंने सेजवान चटनी नहीं डाली, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, क्योंकि उससे कलर भी काफ़ी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, पर मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने सिर्फ जो सॉस मेरे पास थे उसको मैंने डाल दिया है, सेजवान चटनी नहीं थी। और यहाँ पर सारे सॉस डाल के मिला दिया है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया था, उसको अच्छे से घोल के फिर मैं उसमें डाल दूँगी, पर उसे अच्छे से मिला लेना ताकि उसमें गुठलियाँ ना पड़े, उसके बाद हमें उसमें डालना है। और बस इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा हमें इसमें मतलब जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आपको पानी डाल देना। मैंने यहाँ पर लगभग जो मैंने कप लिया था उसे आधा कप मैंने पानी डाला था, क्योंकि ज़्यादा मतलब पतली ग्रेवी भी नहीं चाहिए थी, थिक सी ही चाहिए थी। तो ये देखिए जो हमने उसमें पानी ऐड किया था उसमें एक उबाल आना था, तो उबाल यहाँ पर आ चुका है। तो अब जो हमने ये पनीर को फ्राई करके रखा था उसको डाल देते हैं। बस इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि अब पकाना नहीं है, सो सब्ज़ी हमारे यहाँ पर तैयार हो चुकी है।
तो चलिए अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कलर काफ़ी अच्छा आया था, पर अगर इसमें सजान चटनी होती तो इसका कलर बहुत अच्छा आता। पर आप लोग चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सब्ज़ी देखने में कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग टेस्ट तो नहीं कर सकते पर हाँ देख के तो आप लोग बता ही सकते। क्योंकि पहले क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख के ही बताते हैं कि वो देखने में कैसा लग रहा है, उसके बाद ही हम उसका स्वाद लेते हैं, टेस्ट करते हैं। चलिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको चिली पनीर की रेसिपी कैसी लगी।